अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मजहर म्यू। फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले नंबर पर रावला कोट हॉक्स हैं। रावला कोट हॉक्स ने फ्रेंड्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये उसमें वो एलिमेंट्री में चली गई हैं। ये एलिमेंट्री में सॉरी वो एक क्वालिफायर में ये चली गई हैं और इसमें फ्रेंड्स जो टीम ये मैच जीतेगी वो हो जाएगी डायरेक्ट सेमीफाइनल में, और जो हारेगी वो उसके पास एक चांस होगा। रावला कोट यानी कि उस सिचुएशन में चली गई हैं कि अगर ये हार जाती हैं तो इनके पास तब भी सेमीफाइनल में चांस होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फराबाद टाइगर हैं। इसने 4 मैच प्ले किए हैं, 3 विन 1 लूज 0 ड्रा, 6 इसके पॉइंट्स का रन रेट +0.730 है। अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि ये अंदर है या बाहर है, क्योंकि अभी 4 टीमें हैं जिनके 3 टीमें और हैं जिनके 4-4 पॉइंट हैं। तीसरे नंबर पर ओवरसीज वैरियर्स हैं। इसने 4 मैच प्ले किए हैं, 2 विन 2 लूज 0 ड्रा, 4 इसके पॉइंट, इसका रन रेट +0.140 है। चौथे नंबर पर बाग स्टैलियन है। इसने भी फ्रेंड्स 5 मैच प्ले कर लिए हैं, 2 विन 3 लूज 0 ड्रा, 4 इसके पॉइंट, इसका रन रेट -0.200 है। बाग स्टैलियन फ्रेंड्स उसी सूरत में आगे जाएंगी कि मीरपुर रॉयल्स अपना मैच विन करे। और पांचवें नंबर पर सबसे लास्ट लास्ट में एक किस्म का सबसे लास्ट ही बन जाता है, क्योंकि छठी टीम तो बाहर है। मीरपुर रॉयल्स ने फ्रेंड्स 4 मैच प्ले कर लिए हैं, 2 विन 2 लूज 0 ड्रा, 4 इसके पॉइंट्स का रन रेट -0.510 है, ठीक है। और छठवें नंबर पर कोटली लायंस हैं। इसने 4 मैच प्ले किए हैं, 0 विन 3 लूज 1 ड्रा, 1 इसका पॉइंट, इसका रन रेट -0.770 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ओवरसीज़ और कोटली लाइन का मैच है, ठीक है। ओवरसीज़ अगर अपना मैच जीत जाती हैं तो ये आगे चली जाएंगी, ठीक है। और बाकी अभी जीतने से तो आगे कुछ कह नहीं सकते। एक मिनट मैं ये भी देख लूँ, मुजफ्फराबाद टाइगर और मीरपुर रॉयल्स का मैच है। ओके हो गया। मीरपुर रॉयल्स अगर अपना मैच जीत जाती हैं, ठीक है, मुजफ्फराबाद टाइगर से एक तो ये टीम आगे हो जाएंगी, और ओवरसीज वॉरियर अगर जीत जाती हैं तो एक ये आगे हो जाएंगी। और मुजफ्फराबाद टाइगर भी अगर मुजफ्फराबाद काफ़ी ज़्यादा रन रेट से हारे तो काम ख़राब हो सकता है, वरना मुजफ्फराबाद टाइगर आगे ही हैं। और ओवरसीज वॉरियर अपना मैच जीते तो ये भी आगे है। मीरपुर रॉयल्स अपना मैच जीत जाती हैं मुजफ्फराबाद टाइगर से तो ये भी आगे हैं, ठीक है। तो बाकी अगर ये ओवरसीज वॉरियर का मैच कोटली लैंड से है, ठीक है, अगर ओवरसीज वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा गंदे रन रेट से मैच हारती हैं तो ये बाहर होती हैं, वरना ये अंदर ही हैं। और बागस्टेलियन मुझे लगता है बाहर हो जाएंगी। अगर मीरपुर रॉयल्स अपना मैच हार जाती हैं तो ये कंफर्म बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि बागस्टेलियन आगे से ही इनसे 72 रन रेट पे आगे हैं, ठीक है। अगर मीरपुर रॉयल अपना मैच हार जाती हैं तो फिर ये टीम बाहर हैं, बाकी ऊपर की 4 टीमें फिट हैं मैच खेलने के लिए। मीरपुर रॉयल्स और मीरपुर रॉयल्स अगर मैच हारती हैं तो बाहर हैं, फिर ऊपर की ये 4 टीमें ही कन्फर्म है सेमीफाइनल में जाने के लिए, ठीक है। तो अब तक की यही अपडेट है, और भी ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल का आइकन इसको लाजमी क्लिक करें, ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू अपडेट दूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।